हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, नए साल की नए हार्दिक बधाई। और फ्रेंड्स, आज है 2 जनवरी 2020 और आज के तिथि में देख लीजिए, यहां पर कार्यालय संभागीय आयुक्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा संभाग के पत्र लिखा गया है, जिसमें सीधी भर्ती की प्रक्रिया जो चल रही है व्यापम द्वारा जिसका परीक्षा लिया गया है उसके दस्तावेज सत्यापन के संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया गया है। इस संदर्भ में पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें कई लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि इसका कैसे होगा, कहाँ होगा वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, जितने भी जैसे कि 5 संभाग में जितने भी पद संचालित किए गए थे, जितने भी पद भर्ती नोटिफिकेशन में आया हुआ था, उन सभी का जो चयनित मतलब क्या होंगे, इसका वेरिफिकेशन के लिए जिसका नाम आएगा, ठीक है, उन सभी कैंडिडेट को रायपुर बुलाया जाएगा, ठीक है। और कब बुलाया जाएगा? 17/1/2020 से 7/2/2020 तक, देख सकते हैं यहाँ पर डेट, देख सकते हैं 17/1/2020 से 7/2/2020 तक। यहाँ 2019 बाई मिस्टेक हो गया है, वो 2020 होगा वो, ठीक है। तो 17 जनवरी से 7 फरवरी तक इसका वेरिफिकेशन प्रक्रिया कंप्लीट होना है, जिसमें सभी जितने भी अभ्यर्थी होंगे जो चयनित किए जाएंगे दस्तावेज सत्यापन के लिए, उन सभी को रायपुर बुलाया जाएगा। जिस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन शॉट लेकर, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच के लिए रायपुर में दिनांक इतने से उपस्थित कर उनको बुलाना जाएगा, जिसमें इस पत्र में जिला शिक्षा अधिकारियों को टीम बनाने के लिए इसमें आदेशित किया गया है, ओके। और इसकी जो टीम तैयार कर 5/1/2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो इसमें कई लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि क्या समस्त संभाग में होगा, तो हाँ जी, सभी संभाग के अभ्यर्थियों को वहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, दस्तावेज के प्रमाण पत्र के जाँच के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक ये अभी क्लियर नहीं है, मुझे भी जानकारी नहीं कि कितने लोगों का चयन किया गया है। जैसे मुझे जैसे पता चलेगा, मैं वीडियो के माध्यम से तुरंत आपको सूचित करूंगा कौन से वेबसाइट में आएगा। इसके लिए मुझे मेरे चैनल के साथ बने रहें, जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर आपको सूचित करूँगा कि कितने लोगों का नाम आ रहा है, कितने गुना बुलाया जा रहा है, सभी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी तक यही न्यूज़ मेरे हाथ लगा है, तो इसके संदर्भ में जो भी जानकारी कलेक्ट हो पा रही है मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ।